हे hey दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्टेक। तो आज हम कैडियम के दो प्रोडक्ट ऐसे लाए हैं जो एक ही प्राइस में हैं और इसकी साउंड वगैरह आपको चेक करके बताएंगे कौन सी बेस्ट है। पहले लेते हैं इको 165 को। इसकी पैकेजिंग पहले से मैंने ओपन कर रखी है। ये आ गई हमारी इको 165। ये प्लास्टिक क्वालिटी है इसकी, पूरी प्लास्टिक में है और इसकी वायरिंग वगैरह भी नॉर्मली ठीक ठाक। हमें और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज है। इसके साथ आपको मिल जाता है V8 डाटा केबल और ये हमारी दो रबड़, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो मैं बात कर लेता हूँ नेक बैंड की पहले अपनी। तो नेक बैंड में आपको मिल जाती है इसमें V8 की चार्जिंग जैक और यहाँ पे LED इंडिकेटर और इसमें तीन बटन है। ये बीच वाला जो ऑन ऑफ का है और ऊपर वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए। बाकी पीछे की साइड की डिटेल लिख रही है। बिल्कुल स्लिम नेक बैंड है, आपके गले में पड़े हुए कंफर्टेबल ही आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कान के इसके एयर जो है ना, एयर बिल्कुल सॉफ्ट है, आप कान में लाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो अब इसे रखते हैं साइड में। अब निकालते हैं हम इको 180। ये हो गई हमारी इको 180 ओपन। ये आ गई हमारी नेक बैंड। इसी के साथ आपको मिलता है डाटा केबल V8 वाला और इसमें दो रबड़ मिल रही है। साइड में रहते हैं आप अपनी नेक बैंड। की बिल्ड क्वालिटी बहुत प्यारी है इसकी। इसकी जो पूरी बॉडी है बिल्कुल साइनिंग वाली है। ये साइड आपको मिल रहा है इसका लोगो और इधर की साइड आपको मिल जाता है तीन बटन, वही बीच वाला ऑन ऑफ है, ऊपर वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए। और ये केडीएम की कुछ डिटेल वगैरह है और इसमें आपको मिल जाती है इसमें डेट डली भी और इसमें म्यूजिक का लोगो बना हुआ है। देखिए इधर की साइड इसके एयर में आपके लॉक टाइप की ग्रिप है, आप कान में लाओगे तो अब अंदर फंस जाएगा आपको कान में। तो रनिंग स्पोर्ट्स वाले की बहुत बढ़िया रहेगी ये। और प्लस के प्राइस की बात करूँ, प्राइस बहुत सस्ते हैं इसके, इसी वजह से बहुत बढ़िया दोनों नेक बैंड बहुत बढ़िया। लेकिन इसके साउंड वगैरह आपको चेक करके बताऊंगा मैं कहते हैं। और इसके ऊपर आपको इसके एयर जो है, एयर के ऊपर के लोगो बने हुए दोनों साइड, इसके लोगो है केडीएम का। और इसमें आपको मिल रही है मैग्नेट, अच्छी खासी मैग्नेट है। ऐसी इको 165 में भी मैग्नेट है, दोनों में मैग्नेट है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ इको 165 की साउंड। इको 165 तो चेक कर लिया, इको 180 और चेक कर लेते हैं। साउंड की बात करूं, आप इसके फुल वॉल्यूम पे बजा रहे हो तो कान में हल्की सी लग रही है इसमें, और इसमें आप इको 165 में फुल वॉल्यूम से बजा रहे हो तो आपके कान में लगेगी नहीं बिल्कुल भी। तो साउंड के मामले में तो इको 165 सबसे बेस्ट लग रही है। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी इसके मुकाबले काफ़ी अच्छी है। ये स्लिम कर दी है, इसमें खूबसूरती कुछ ज़्यादा दे दी है, लेकिन साउंड वगैरह कुछ खास है नहीं इसके। और कॉलिंग पे तो भाई नॉर्मली है, कॉलिंग के हिसाब से आप लेना चाहो तो ये मत लेना,
इससे कोई बेहतर लेना जो 500-600 प्लस की हो आप। अब बैटरी बैकअप की बात करो, इको 165 में आपका कॉलिंग पे है 30 घंटे, और म्यूजिक पे है इसका वही 24 घंटे, और इसका स्टैंड बाई टाइम जो है 100 घंटे इसका स्टैंड बाई टाइम है, और ये आपकी 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, और इसका ब्लूटूथ वर्जन जो है 5.1 है, और इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है इसकी बैटरी कैपेसिटी वो आपकी 320 mAh की बैटरी है। बात कर लेते हैं इको 180 की, इसका कॉलिंग पे आपका 30 घंटे सेम वही है, और इसमें म्यूजिक पे 24 घंटे, और इसका स्टैंड बाई टाइम जो है 400 घंटे इसमें बॉक्स पे लिखा है, और इसकी चार्जिंग टाइम 1 से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, और इसका ब्लूटूथ वर्जन जो है 5.1 इसका वर्जन है, और इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो 200 mAh की है, इससे कम इसकी बैटरी कैपेसिटी है, लेकिन बैटरी बैकअप जो लग रहा है मुझे इसका ज़्यादा लग रहा है इको 165 का। इसकी साउंड क्वालिटी भी बेहतर है, बस ये थोड़ी क्वालिटी वगैरह में इसकी बॉडी क्वालिटी थी खास नहीं है, जैसे इको 180 की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो सजेस्ट करूँगा आप इको 180 ना लेके इको 165 ले, सबसे बेस्ट इको 165 ही रहेगी। और इन दोनों के प्राइस की बात करूँ, इन दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है, आपको 300 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी, दोनों सेम ही रेट में आपको मिल जाएगी। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।